तब आपको वॉशरूम जाते हुए डर नहीं लगेगा है कि कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, फैजान चौधरी को आप देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसके बाद अब आपको वॉशरूम जाते हुए डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये वो WC है जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। उमैर भाई मेरे साथ मौजूद है, ये इसका रिमोट है और ये रिमोट वाकई WC जिसको आम लफ्जों में कमोड बोला जाता है उसका है, किसी TV LCD या AC का नहीं है। तो उमैर भाई क्या क्या फंक्शन है जल्दी से जरा लोगों को बता दें। चाइना वालों ने एक ऐसा कमोड एक बनाया है जो विद इन सेकंड आपको सब कुछ कर सकते हैं इस रिमोट के साथ। ये बेसिकली डिसेबल और बुजुर्ग लोगों के लिए कमोड एक बनाया है जो आप इस रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि सर्दियों में इसका सीट कवर आपका गर्म कर देता है और गर्मियों में ये ठंडा सीट कवर कर देता है। अच्छा, इसमें ये रिमोट से एक तो ये भी फायदा है कि आपको इसको सीट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट रिमोट का ये बटन प्रेस करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा और ये खुल भी जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त बंद हो गया और दोबारा अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये खुल भी गया। इसी तरह जो सीट कवर होता है नीचे वाला, जैसे हम टर्न ओवर भी बोलते हैं, ये भी जो है ऑटोमेटिकली बटन से खुल भी जाता है और ये बंद भी हो जाता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा फायदा इसके अंदर है। दूसरा अगर मैं आपको फायदा बताता चलूं तो इसके अंदर सीट टेम्परेचर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा करेगा, तो ये इसके अंदर सीट टेम्परेचर की ऑप्शन दी गई है जिसे आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाता चलूं तो इस वक्त इसका टेम्परेचर जो है 37 डिग्री बताया जा रहा है, मतलब आम रूम टेम्परेचर से ये थोड़ा सा ज़्यादा हीटअप है, क्योंकि सर्दियों के दिन है। तो सर्दियों में सबसे बड़ा मसला ही ये होता है कि आपका वॉशरूम में WC पे कमोड पे बैठने का दिल नहीं करता, लेकिन ये वाहिद कमोड है जिस पे आपका उठने का दिल नहीं किया करेगा क्योंकि ये हीटअप होगा। इसके अगर आगे बात करें तो ये ड्राई टेम्परेचर दिया गया, ड्राई टेम्परेचर के साथ साथ ऑटोमेटिक बॉडी वॉशर भी दिया गया जो कि यहाँ पर मेंशन है। साथ ही आप देखेंगे ड्राइंग की ऑप्शन है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपकी बॉडी को ड्राई भी कर देगा। मतलब सर्दियों में एक जो बड़ा मसला होता था कि आफ्टर बॉडी वॉश आपके कपड़े भी गीले हो जाते थे और बॉडी वेट रहती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और आपने कितने टेम्परेचर पर ड्राई करनी है अपनी बॉडी वो टेम्परेचर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आगे चलूँ तो इसको वॉशरूम का लैंड क्रूजर भी बोला जाता है। लैंड क्रूजर इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर सेम वो ऑप्शन है जो कि एक लैंड क्रूजर के अंदर होती है, ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट। मतलब आपने अगर लैंड क्रूजर का अगर आपको फंक्शन पता हो तो जब वो किसी चौड़ाई से होता है ऑटोमेटिकली वो ब्लो हो जाता है और जैसे वो सरफेस पे आता है तो वो अप हो जाता है। सेम ऐसे ही इसकी सीट एडजस्टमेंट भी इसके अंदर दी गई है कि आप इसको फ्लो एडजस्टमेंट और ये पोजिशन एडजस्ट के बटन की मदद से अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे अगर चलें तो इसके अंदर नाइट लाइट दी गई है। रात को अक्सर जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो लाइट जलाने का दिल नहीं करता, आप जलाएं तो आंखें नहीं खुलती, तो अब आपको वॉशरूम में नाइट में रात के वक्त लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर नाइट लाइट है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसके अंदर लाइटें जल गई हैं, अगर मैं इसको बंद करूंगा तो ये बंद हो गई हैं और ये जल गई हैं। अब इसके साथ साथ इसके अंदर बड़ा ही बेहतरीन जो फंक्शन जो मुझे उमैर भाई ने बताया था, पहले नहीं पता था कि इसके अंदर एनर्जी सेविंग का ऑप्शन भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो आप अपनी बिजली को बचा भी सकते हैं, वोल्टेज कम भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना वालों को पता था कि हम पाकिस्तान भेज रहे हैं और पाकिस्तान में बिजली बड़ी महंगी हो गई है। तो उमैर भाई एक जो बड़ा यूनिक फंक्शन है वो आखिर में आप बता दें कि क्या है इसके अंदर। इसका एक यूनिक है, ये आप जो ही वॉशरूम में एंटर होंगे साथ ही ये सेंसर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसका सीट कवर खुल जाएगा सेंसर को देख के। मतलब इसमें ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप वॉशरूम में आते हैं और रिमोट आपको इमरजेंसी में नहीं मिल रहा तो आप जैसे ही इसके पास आएंगे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपको इजीली इमरजेंसी में सहूलत फराहम कर देगा। तो आखिर में जाते जाते उमैर भाई हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।